हेलो दोस्तों, आज हम आपको स्मार्टिफाई के रेट्रोफिट नोट स्विच सीरीज़ के वायरिंग डायग्राम के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने नोट स्विच का NS41 मॉडल लिया जिसमें चार पोर्ट होते हैं। पहले देखते हैं कि एग्जिस्टिंग सेटअप में स्विच बोर्ड्स कैसे होते हैं। ये एक हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप बोर्ड है जिसमें चार स्विचेस एक सॉकेट है। इसमें एक लाइव आ रहा है जो कि फेज है, और उससे बाकी चारों स्विचेस में कॉमन फेज गया हुआ है। स्विच के दूसरे हिस्से में लोड का कनेक्शन है, जैसे पहले वाले में आपका एक बल्ब का कनेक्शन है, ठीक है। और बाकी सेकंड और थर्ड स्विच को हमने फ्री रखा है, पर वो अज्यूम करते हैं बल्ब टू बल्ब थ्री पे जा रहा है। चौथे स्विच को हमने सॉकेट के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सॉकेट का दूसरा न्यूट्रल है जो कि एक न्यूट्रल वायर सॉकेट में आ रखा है। तो ये एक हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप होता है जो किसी भी नॉर्मल घरों में के स्विच बोर्ड्स में रहता है। अब आइए देखते हैं इस स्विच कनेक्शन को हम स्मार्टिफाई स्विच बोर्ड के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले MCB से मेन्स को ऑफ कर दीजिए। चेक करिए कि मेन में कोई टेस्टर से कोई करंट नहीं आ रही है, ठीक। अब सबसे पहले इस मेन लाइन को आप हटाइए। जब आपने हटा दिया तो यानी कि इन चार स्विचेस में कोई भी फेज या न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। अब इस मेन को आपको स्मार्टिफाई के स्विच बोर्ड में जहाँ पर L है वहाँ पर कनेक्ट करना है। आप वायरिंग डायग्राम से भी देख सकते हैं, L का मतलब लाइव है, आपको उस लाइव में कनेक्ट करना है। अब आपको एन पॉइंट पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है। न्यूट्रल वायर आपके बोर्ड में आ रहा होगा कहीं से, या फिर अब जैसे इसमें हमारे केस में सॉकेट में न्यूट्रल वायर है, वहाँ से आप न्यूट्रल का एक कनेक्शन लेकर के स्मार्टिफाई के मॉड्यूल में एन पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमने स्मार्टिफाई के मॉड्यूल में L और N पॉइंट को कनेक्ट कर लिया है। अब आप अपनी MCB को दोबारा ऑन करिए। अगर लाइव और न्यूट्रल सही हैं तो अगर आपको स्मार्टिफाई के मॉड्यूल में पावर आ जाएगी। वहाँ पर अगर आप पीछे साइड देखेंगे एक ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई होगी, इसका मतलब मॉड्यूल में पावर ओके है और कनेक्शन आपका ओके है। वापस आप MCB को ऑफ कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि लोड्स को हमको कैसे कनेक्ट करना है। जैसे इस वाले केस में सबसे पहला लोड हमारा बल्ब का है, तो बल्ब का जो पहला वायर है उसको हमको निकाल कर P1 पे कनेक्ट करना है। इसी तरह आप सेकंड और थर्ड पॉइंट के निकाल करके P2, P3 में कनेक्ट कर सकते हैं।
आप देखेंगे हमने P1, P2, P3, P4 के पॉइंट में कनेक्शन में वायरिंग कर रखी है, ये सारे लोड के हैं। लाइव और न्यूट्रल भी कनेक्टेड है, तो बेसिकली आपका नीचे साइड के सारे कनेक्शंस के वायरिंग हो चुकी है। ओके, अब आइए हम डीसी साइड के वायरिंग के बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा एक कॉमन पॉइंट है। ओके, उस कॉमन में आप कॉमन में एस एक वायर कनेक्ट करिए। ये इंश्योर करिए कि इस साइड में जो वायरिंग है यहाँ पर कोई भी लाइव या न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होगा, नहीं तो बोर्ड जल सकता है। ये कॉमन वायर आपके स्विच के जो पहले से ऑलरेडी फेस के कॉमन थे उन्हीं में आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये इंश्योर करिएगा वहाँ पर कोई पुराना लाइव या न्यूट्रल का कोई भी वायर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक कॉमन वायर चला गया जो कि चारों पॉइंट्स में कॉमन है। अब S1, S2, S3, S4 के पॉइंट से आप स्विच के दूसरे पॉइंट्स में कनेक्शन करिए। ओके, हमारे वायरिंग्स पूरे हो गए। आपको प्रोडक्ट के साथ एक वायरिंग डायग्राम मिला होगा, उस वायरिंग डायग्राम से एक बार दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। लाइव के साथ हमने लाइव फेस कनेक्ट कर रखा है, एन पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर रखा है, सारे लोड जो P1, P2, P3, P4 हैं इन पे हमने लोड पॉइंट्स को कनेक्ट कर रखा है, ऊपर हमने एक कॉमन वायर लिया है जो कि सारे स्विचेस में कॉमन गया है, उसके बाद S1, S2, S3, S4 में हमने स्विच के बाकी पॉइंट्स में कनेक्शन कर रखा है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए और ये इंश्योर करिए कि ऊपर के जो चार स्विचेस हैं इनमें कोई भी लाइव या न्यूट्रल का कोई भी वायरिंग नहीं हो रखी है। अब आइए अपने मेंस को दोबारा ऑन करते हैं। अभी आपके बोल में पावर आ गई है। अभी हमने सिर्फ इसको कनेक्ट कर रखा है बल्ब को, तो बल्ब का S1 स्विच को हम ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो आपका मैनुअल कनेक्शन भी चल रहा है, अगर आप सॉकेट में देखेंगे सॉकेट में भी आपके कनेक्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके चारों लोड्स में पॉइंट्स में कनेक्शन हो चुका है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो आपका वायरिंग पूरी है और आपके मैनुअली सारे स्विचेस चल रहे हैं। इसका अगला स्टेप वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन का है। नमस्कार, आइए अब स्मार्टीफाई के रेट्रोफिट नोट स्विच को स्मार्टीफाई की ऐप के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमने बेसिकली मैनुअल कनेक्शन कर लिए हैं और आपके मैनुअल स्विचेस से आपका लाइट कनेक्शन ऑन एंड ऑफ हो रहा है सब कुछ। ओके, सबसे पहले आप स्मार्टीफाई की ऐप को ओपन करिए और उसमें अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले एक अकाउंट बना लीजिए और इस डिवाइस को ऐड करिए। ऐड करने के लिए आपको सीरियल नंबर एक्टिवेशन कोड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके पैकिंग बॉक्स में भी होगा
और आपके मॉड्यूल के पीछे भी रहता है। अगर आप देखेंगे मॉड्यूल के पीछे भी आपको सीरियल नंबर एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा। इसको अगर आप एक बार इंटर करेंगे तो आपकी डिवाइस ऐप में NS41 है तो 4 स्विचेस आपको एक्टिवेटेड दिख जाएंगे। ओके, अब सबसे पहले डिवाइस को सेटिंग मोड में ले जाते हैं। उसके लिए आपको एक स्विच को 7 बार कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर आप देखेंगे तो जो नोट स्विच में जो पहले ग्रीन लाइट हल्की ब्लिंक हो रही थी, अब थोड़ी फास्ट स्पीड में ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई होगी उसकी। इसका मतलब है डिवाइस अब सेटिंग मोड में है। अब आप स्मार्टिफाई की ऐप में जाइए, सबसे ऊपर एक वाईफाई का आइकन है, उसको आप क्लिक करिए। आपको 4 चेक पॉइंट्स आएंगे कि सबसे पहले कि आपका लोकेशन परमिशन ऑन है, डिवाइस सेटिंग मोड में है, आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज में वाईफाई कनेक्शन है। तो इन 4 सेटिंग्स को इंश्योर करिए आपकी सारी हैं। होने के बाद उसको आप नेक्स्ट बटन क्लिक करिए। ओके, यहाँ पर आपको डिवाइस का सीरियल नंबर दिखाई देगा जिसका कनेक्शन करना है। अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, पर इस टाइम हमारे पास एक ही डिवाइस है तो वो सीरियल नंबर आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके नेक्स्ट करिए। यहाँ पर आपको आपके घर के वाईफाई लिस्ट आएंगे, उनमें से आप अपना वाईफाई को सेलेक्ट करिए और उसमें उसका अपना पासवर्ड डालिए। ये इंश्योर करिएगा आपका वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला ही है। अगर आपके घर में दो वाईफाई आपका दो नाम से आता है कि माई होम एंड माई होम 5G, तो आपको माई होम वाला सेलेक्ट करना है। आपको मैसेज आएगा कि पैरामीटर्स स्टोर्ड सक्सेसफुली, उसके बाद ओके करिए। अगर आप अपनी ग्रीन लाइट को इस टाइम देखेंगे तो ग्रीन लाइट वापस लाइट ब्लिंक नॉर्मल स्टेबल ग्रीन हो गई होगी। ठीक है, इस टाइम इसका मतलब आपका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब आप ऐप से स्विचेस किसी भी लाइट को ऑन ऑफ करिए। जैसे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पे बल्ब को कनेक्ट कर रखा है, तो स्विच 1 को अगर हम ऑन करते हैं तो आपकी लाइट ऑन हो गई। तो बेसिकली आपकी ऐप से भी चल रही है, और अगर आप मैन्युअली स्विच से भी करेंगे तो देखिए स्विच से भी आपका ऑन ऑफ होगा। स्विच से भी ऑन ऑफ, ओके। इस केस में जैसे आपने देखा कि हमें 2 बार स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ा। इशू क्या था, स्विच की फिजिकल पोजीशन तो ऑन स्टेट में थी, ऑफ स्टेट में थी, पर ऐप से आपने ऑन कर दिया था। लेकिन अब आपको अगर ऑफ करना है तो पहले स्विच को टॉगल करना पड़ेगा, वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो अभी आपने देखा आप ऐप से भी कंट्रोल कर रहे हैं और मैन्युअली भी आप ऑपरेट कर पा रहे हैं। इस टाइम कोई एक्स्ट्रा वायरिंग हमने नहीं करी है, जितने सेट ऑफ वायर्स हमने आपको बताए थे वही हैं, कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रल लाइव वायर कुछ नहीं है। तो आपकी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ वायरिंग के साथ आपका ये कॉन्फ़िगरेशन भी काम कर रहा है। धन्यवाद।